हेलो गाइस, तो कैसे हो? आज आप लोग के लिए ये एक और एटोनस का वीडियो लेके आ गया। तो आज हम लोग आप लोग के लिए ये लाया हूँ। कैसा आप लोग ये एटोनस में स्काई फैक्ट्री खेल सकते हैं, और ये खासकर पॉकेट एसन वालों के लिए है। तो फिर जावा के लिए अभी नहीं लाया है, जावा का ये अलग सा मोड रहता है तो वो लोग के लिए आज जरूरत नहीं होते। तो चलते शुरू करते आप लोग का वीडियो और दिखाते कैसे आप लोग कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोग को एगो एटोनस का आइडिया पहले वर्ल्ड क्रिएट कर लेना, जैसे आप लोग क्रिएट करते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं वो भी दिखा देता। आप लोग को अकाउंट पहले खोल लेना, और खोलने के बाद आपको प्ले का ऑप्शन है, प्ले करके क्रिएट वाला में जाके आपको इधर जाना है और यहाँ पे बेडरॉक एडिशन पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे अगर चाहे तो अपना एटोनस का आईपी चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं नहीं करूँगा और मैं कंटिन्यू करता हूँ और चलता हूँ इधर फाइल में। फाइल मैनेजर में सबसे पहले हम लोग को जाना है। फाइल मैनेजर जाने के बाद यहाँ पे पैक्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग को दो फोल्डर न्यू क्रिएट करना है। जो आप लोग को मैं स्क्रीन में दिख रहा होगा वही आपको क्रिएट करना है, वरना आप लोग का काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले होगा बिहेवियर पैक, उसके बाद आएगा आप लोग का ये रिसोर्स पैक, और उसके बाद आप लोग का इसको क्रिएट करेंगे तो आप लोग को मैं कुछ फाइल दूंगा। वो फाइल आप लोग को दिखा देता हूँ कहाँ पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा डिस्कॉर्ड का लिंक होगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ कौन सा लिंक है। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड में जाता हूँ, और ये स्काई ब्लॉक, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का पैक रहेगा। ये आप लोग को ये डिस्कॉर्ड में मिल जाए, वो भी मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलेगा। ये तीन को आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग को सिंपली चला डिस्कॉर्ड में, डिस्कॉर्ड में हीरो प्रैंक करके होगा डिस्कॉर्ड, तो इसमें जाना होगा आप लोग को। ये फ्री एमसी वाला सर्वर घुस जाना, इस यहाँ पे मिल जाएगा। अभी मैंने अपलोड नहीं किया, अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग को सिंपली जाने के बाद इधर ये दिख रहा होगा दो बिहेवियर रिसोर्स, इसको आप लोग को कर देना एक्सट्रैक्ट, पहले कर देना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोग, मैं एक्सट्रैक्ट पहले कर चुका हूँ अपना में। तो यहाँ पे आप लोग एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे दो फोल्डर और होंगे। तो सबसे पहले आप लोग याद रखना है, आप मैंने पहले घुसा बिहेवियर पैक में, तो बिहेवियर पैक का पहले फाइल में अपलोड करूँगा इसके अंदर। तो यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे बिहेवियर पैक, और यहाँ पे मैं सारा सिलेक्ट कर देता हूँ, ऑल सिलेक्ट पे करके मैं इसको कर देता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पे अपलोड हो रहा है मेरा सारा फाइल। ये देख सकते हो मेरा सारा फाइल अपलोड हो गया लगभग। ये अपलोड होने के बाद हम लोग चलते हैं अब रिसोर्स में अपना। तो यहाँ पे मेरा सारा पैक अपलोड हो गया है, तो इसमें जाएंगे और इस पे अपलोड करेंगे रिसोर्स पे। तो रिसोर्स में जाके फाइल अपलोड कर देता है, और रिसोर्स में जाके सिलेक्ट ऑल कर देंगे इसको भी, और अपलोड कर सिलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। सिलेक्ट अपलोड आपका जो लिखा रहेगा पक्का करने के बाद आप लोग को सिंपली इधर चला जाना है। ये अपलोड हो रहा है हमारा सारा, तो ये हमारा हो गया सारा अपलोड। और इसके बाद आप लोग को जाना है इधर वर्ल्ड वाले सेक्शन पे, और अपलोड वर्ल्ड में जाके जो मैं एक वर्ल्ड का फाइल दूंगा उस फाइल को करना आप लोग को, इसमें डालना है ये वर्ल्ड जिप करके आपको एक फाइल मिलेगा, उसको आपको डाल देना है। इसको एक्सट्रैक्ट मत कीजिएगा, जिप में ही आप लेगा, तो जीप में इसको डाल देना है डायरेक्ट। तो ये वर्ल्ड भी हम लोग का अपलोड हो गया। तो चलते हैं एक बार पहले सर्वर को कर लेते हैं स्टार्ट। और अगर आप लोग का फाइल में इधर जाना है और इधर सर्वर प्रॉपर्टी में एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे ऐड थोड़े आते हैं आते हैं उसमें, तो इसको कर देते कट। और यहाँ पे ऑप्शन अभी अनलॉक नहीं हुआ, तो सबसे पहले हम सर्वर को स्टार्ट करके ऑफ करना होगा। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं सर्वर को फर्स्ट।
तो यहाँ पे हम लोग का जब तक सर्वर स्टार्ट रहा था तब आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे नए वीडियो जाता रहेगा जावा और प्रोग्रेशन के लिए मैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, और अगर और भी कोई लोग हैं जो प्रोग्रेशन खेलते हैं तो लोग को शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पे मेरा सर्वर लगभग स्टार्ट हो ही गया, तो अब सर्वर को कर देना स्टॉप। तो यहाँ पे हम लोग का सर्वर हो गया है स्टॉप, तो उसके बाद चलते हैं हम लोग इधर वर्ल्ड वाले तरफ। वर्ल्ड में जाने के बाद आप लोग को इधर जाना है ऑपरेटिंग में जाने के बाद इधर जाना है आप लोग का एक्सपेरिमेंट में, देख लेना अगर ये सर्वर ये सब का ऑफ रहता है तो ऑन है क्या नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा एक्सपेरिमेंट में, ये पांच ऑन रहेगा आप लोग का। अगर आप लोग का ये ऑन नहीं होगा तो आप लोग ऑन कर लीजिएगा, और चलते हैं वर्ल्ड को एक बार करते हैं वापस स्टार्ट। तो ये हमारा हो रहा है वर्ल्ड स्टार्ट, और मैंने अगर आप लोग को वन ब्लॉग भी बनाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होगा वन ब्लॉग का बनाने का, तो जाके आप लोग देख सकते हैं वन ब्लॉग कैसे बनता है। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कॉपी एड्रेस और आईपी को, या फिर आप लोग डायरेक्ट ऊपर में कर सकते क्लिक करके ज्वाइन, तो मैं वहीं से क्लिक करके ज्वाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा हो गया जॉइन, सर्वर में जाके देखते कहाँ पे है, तो ये रहा हमारा। तो करते हैं जॉइन, तो यहाँ पे डाउनलोड मांगेगा तो डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, तो वेट करता है डाउनलोड होने का हम लोग तक से। अगर आप लोग को और भी कुछ ऐसे ऐसे और वर्ल्ड बनाने कैसे बनाना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसी का वीडियो नेक्स्ट बना दूंगा। तो यहाँ पे लगभग हो ही गया हम लोग का डाउनलोड वर्ल्ड, सॉरी पैक्स, यहाँ पैक्स डाउनलोड हो रहा है हम लोग का वर्ल्ड, या पैक बोल सकते हम लोग चेक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का पैक हो गया डाउनलोड, तो हम लोग का खुल चुका है बेसिक मशीन। तो इसको कट करके करते हम लोग इधर माइन नीचे में, तो करते थोड़ा हम लोग आप लोग खेल के दिखा देता हूँ कैसा है ये। तो करते मैं माइन नीचे, हम लोगों को साइड में ये दिख रहा हो क्या कौन सा क्या ब्लॉक है। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफिन टावर बना के स्लैब बना देता हूँ, जिससे हम लोग का सैपलिंग सबसे पहले सेफ रहे, क्योंकि
इस वर्ल्ड में ऊंट का सबसे मेन काम रहता है, वरना ऊंट नहीं रहा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सैपलिंग ये हम लोग का ये हो रहा है, रिस्पॉन हो रहा है तो जल्दी करता है। तो ये हो गया मेरा क्लियर वुड सारा, तो स्लैब लगा देता हूँ यहाँ पे। तो तो हमें एक सैपलिंग मिल गया है नीचे से आते आते। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने से, और एक और सैपलिंग गिरा है तो उसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ला देता हूँ। और आप लोग को दिखा देता हूँ कुछ कुछ इक्विपमेंट इसमें है क्या नहीं। तो देख सकते हैं जैसे क्या आया यहाँ पे रहता है, ये बैरियर ठो रहता है, बैरियर है, और यहाँ पे कुछ कुछ इक्विपमेंट और भी है बहुत सारे। तो ये सब सारे जितने कुछ रहते हैं साफ सब कुछ है इसमें, तो आराम से हम लोग खेलिए और इंजॉय करिए। तो आप लोग को पसंद आया होगा ये स्काई फैक्ट्री, और आप लोग को कुछ और भी ऐसे ऐसे और न्यू वीडियो लाने के लिए सब्सक्राइब और बाय करिएगा। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक से हमारे चैनल देखते रहेगा, और कुछ अगर प्रॉब्लम हो बनाने में तो मुझे डिस्कॉर्ड में टैग करके बता सकते हैं, मैं आप लोग को सॉल्यूशन दे सकता हूँ या मैं खुद जाके देख सकता हूँ आप लोग के लिए। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।